अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मौलाना जी के YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारे मौलाना जी आपके लिए लेकर आए हैं मौलवी बाबा से पीछा छुड़ाने का वजीफा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपके पीछे किसी बाबा को उसने छोड़ रखा है और वह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वह मौलवी बाबा आपके पीछे कोई काले साए छोड़ देता है, या फिर आपके ऊपर कुछ टोने टोटके करवा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपको या आपके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा है, तो उस मौलवी बाबा से पीछा छुड़वाने के इस वजीफे को आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे मौलाना जी आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में इस चीज़ों को लेकर आते हैं, ताकि आप बहुत ही सरल माध्यम से अपने घर बैठे ही इन चीज़ों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जैसा इस वीडियो में बताया है आपको सिर्फ वैसा ही करना है। दोस्तों, हमारे मौलाना जी के द्वारा बताए हुए आपको मूता कब्रेरो को 10 मर्तबा पढ़ना है। दोस्तों, अपने जहन में उस मौलवी का या फिर उस दुश्मन का जहन में चेहरा सोचते हुए आपको मूता कब्रेरो 10 मर्तबा पढ़ना है, और फिर उस इंसान की कोई भी फोटो या फिर कोई भी कपड़ा उस पर फूंक मारनी है और वह उसको पहुँचा देनी है, यानी उस मौलवी बाबा के स्थान तक उसको पहुंचा देनी है या उस फोटो को वहां पर मिट्टी में गाड़ देना है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद जो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा होगा उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जिससे आप अपनी हिफाजत करना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए आपको यह मूता कब्रेरो ज़रूर करना चाहिए। इस वजीफे को करने के बाद आप उस मौलवी बाबा से भी और उस दुश्मन से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यदि तब भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी आती है आपको, या आप कोई और आसान अमल या वजीफा जानना चाहते हैं, तो बिना देर किए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे मौलाना जी से संपर्क कर सकते हैं, वह आपकी सहायता अवश्य करें। तब तक ले दोस्तों, शुक्रिया।